सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूपी स्टेट का सीएम योगी आदित्यनाथ सेकुलर नहीं है और योगी गवर्नमेंट बने जब से अब तक वहाँ पर एक मस्जिद शहीद हुई है। और तेलंगाना स्टेट के सीएम केसीआर सेकुलर है और केसीआर गवर्नमेंट बने जब से अब तक यहाँ पर 8 मस्जिदें शहीद हुई हैं। योगी गवर्नमेंट में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है और केसीआर गवर्नमेंट में मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है। ये दोनों भी सेकुलर है, पहचानो मुसलमानों। मैं सवाल करता हूँ हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी से, बाराबंकी में मस्जिद शहीद होती है तो आपका मुंह खुलता है, वहाँ तनकीद करते हैं आप, ट्वीट करते हैं वहाँ पर, और वो लोग के ऊपर केस होता है जो मस्जिद शहीद करते हैं। लेकिन तेलंगाना में 8 मस्जिदें शहीद हुई तो आपका मुंह बंद क्यों, और मस्जिदें शहीद करने वालों पर केस क्यों बुकने हुआ अब तक, यहाँ ट्वीट क्यों नहीं करते आप केसीआर केटीआर को, आपका हाथ क्यों कांपता है केसीआर केटीआर को ट्वीट करने से। दूसरे स्टेट में कुछ भी हो आपका मुंह खुल जाता है और तेलंगाना स्टेट में आपका मुंह बंद। आपको महाराष्ट्र के मुसलमानों की रिजर्वेशन की फिक्र है और तेलंगाना के मुसलमानों की रिजर्वेशन की फिक्र नहीं। आपको भोपाल, जबलपुर, वहाँ पर डेवलपमेंट की फिक्र है, आपको हैदराबाद और ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट की फिक्र नहीं, क्योंकि हैदराबाद के मुसलमानों को आप गुमराह कर चुके हैं। यहाँ का मुसलमान आपको इज्जत देता है लेकिन आप यहाँ के मुसलमानों को हर चीज़ से महरूम रखते हैं, ये आपकी सच्चाई है। मैं मुसलमानों से कहूँगा, ये असदुद्दीन अवैसी के पास, भक्त बनर्जी आकाश के पास जाकर कॉमेडी इंटरव्यू देने के लिए टाइम है और लद्दाख में कार में बैठकर घूम फिर के इंटरव्यू देने के लिए टाइम है, लेकिन इनके पास केसीआर गवर्नमेंट पर तनकीद करने का टाइम नहीं है। ये कौम के गद्दार है, इनको पहचानो ना, तो ये इस्लाम के लिए कुछ काम आने वाले हैं ना ही मुसलमान के लिए कुछ काम आने वाले हैं। ये एक बीजेपी की बी टीम है जो मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद के नाम से सियासत करते हैं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी, और तेलंगाना में 8 मस्जिदें शहीद होगी तो इनका मुंह बंद। दूसरे स्टेट में ये लोग मर्द और यहाँ पर तो बोलो ही मत क्या है, ये लोग आपको मालूम ही है। असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कहीं पर भी आए तो जो लोग इनको बोलते हैं ना शेर आया, तो वो लोग को कहूँगा मैं, ये दोनों भाई प्लास्टिक के टाइगर है और तुम उनके ग़ुलाम। अल्लाह हाफिज़, भूखते रहो कमेंट्स में, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है चोर दलालों की।